हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरती। स्वागत है आपका मेरी किचन में। राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे समोसा पेटीज। ये समोसे की तरह लेकिन समोसे से बिल्कुल डिफरेंट, एकदम कुरकुरा समोसा भी इसके सामने फेल। ना ये पेटीज है ना समोसा है, कुछ अलग सी रेसिपी है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 3 कटोरी मैदा। सुबह के नाश्ते के लिए बहुत अच्छा है, शाम की इवनिंग चाय के लिए बहुत अच्छा है, खाने में बहुत टेस्टी और पौष्टिक है। अगर आपने इसे बना के खाया है तो पक्का फ्रेंड्स आप बिल्कुल समोसा भूल जाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब अजवाइन, 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच इसमें डालेंगे ऑयल। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पहले ऐसे ही गूथेंगे, जब इसका डो बनने लग जाएगा ऐसे ही गूथेंगे। इसे अच्छे से तेल को मल लेंगे हाथों से, जिससे कि सारे मैदे में ये ऑयल मिक्स हो जाए। जब ऐसे मुट्ठी बनने लग जाए फ्रेंड्स, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे टाइट डो लगाएंगे। ज़्यादा हल्का भी नहीं, जैसे हम आटे का रोटी का आटा गूंथते हैं, ऐसे ही इसका डो तैयार करना है हमें। अब मैंने एक बिल्कुल सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लिया है। अब इसकी स्टफिंग के लिए इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे आटे को, मैदे को। और अब हमने इसकी स्टफिंग के लिए मैंने लिए 6 आलू। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने इसे एक बार बना के खा लिया तो आप समोसा भी अच्छा ही नहीं लगेगा आपको इसके सामने, इतना टेस्टी लगता है ये। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लिया है, सरसों का मस्टर्ड ऑयल, और इसमें थोड़ी सी राई और जीरा, राई से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसकी स्टफिंग का, डालेंगे। और अब इसमें मैं डालूंगी आलू, सारे आलू जो मैंने मैश किए हैं वो सभी आलू डाल लेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा डालना है, आधी से भी आधा, 1/4 चम्मच। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर, चाट मसाला, और चाट मसाला भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, और भी अगर आप गरम मसाला वगैरह कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, क्योंकि गरम मसाला गर्मी बहुत है तो मन नहीं है इसलिए, नहीं तो आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हरे धनिया की पत्तियां डाल लें, मैंने अजवाइन की पत्तियां डाली हैं क्योंकि गर्मियों में थोड़ा धनिया मिलना मुश्किल होता है। अभी ये स्टफिंग तैयार हो गई तो मैंने एक प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर लिया, निकाल लिया है, जिससे कि थोड़ा ठंडा हो जाए। चलिए देखिए, ये भी बिल्कुल एकदम सेट हो गया 10 मिनट के अंदर। इसकी छोटी छोटी लोइयां काट ली है मैंने फ्रेंड्स, ज़्यादा पतली भी नहीं लोइयां, पूरी से थोड़ी मोटी काटनी है। और अब हम इसे किचन काउंटर पर ही अच्छे से बेल लेंगे, 5-6 लोइयों को बेल लेंगे रोटी शेप में, रोटियां बना लेंगे 5-6 बेल के इन्हें। इससे जो इस ट्रिक से ही होगा कि समोसा बहुत कुरकुरा और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट। वगैरह कुछ नहीं लगाना है बेलते वक्त, ये ऐसे ही बेल जाएंगी। मैंने 6 रोटियां बेल ली हैं इकट्ठी। अब एक कटोरी में मैं थोड़ा सा 2 चम्मच मैदा लिया है, और इसे ऑयल आप सूखा सूखा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं गीला करके लगाऊंगी। गीला करेंगे इसे, तेल से अच्छे से भिगो लेंगे, मतलब इस तरह इतना पतला इसे लाइस ही बनाना है इसका। और अब 1-1 रोटी हम लेंगे, इस पर अच्छे से फैला लेंगे इसे कुरकुरा बनाने के लिए समोसे को। बहुत टेस्टी है, ऐसा समोसा आपने आज तक ही खाया ही नहीं होगा, बिल्कुल नई रेसिपी है, बिल्कुल समोसे की नई रेसिपी है। आप एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा, जिसे भी खिलाएंगे वो तारीफ ही तारीफ करेगा, बहुत ही टेस्टी। एक खाने की जगह वो 4 खाएगा, इतना टेस्टी लगता है। ऐसे ही 1-1 रोटी करते जाएंगे और सब रोटियों पर लगाते चले जाएंगे, 6 की 6 रोटी पर। थोड़ा थोड़ा उन्हें बेलन की मदद से दबाते भी जाएंगे, ये नहीं कि वो खुल जाए। 6 की 6 रोटी को 1 के ऊपर 1 रखते हुए, और इस तरह से जो तेल का मैंने लाइसी बनाई है वो लगाते हुए, और फिर इन्हें रोटियों को हम लपेट लेंगे इस तरह से, पतला करेंगे इसे गोले से को। और फिर हम इसे 1-1 इंच पे, जितना भी आपको थोड़ा बड़ा रखना है समोसा, छोटा रखना है, उस हिसाब से हम इसे लोइयां इसकी दोबारा से काट लेंगे चक्कू की मदद से। कि फ्रेंड्स, इसकी लेयर सी तैयार हो गई है, ये बिल्कुल पेटी समोसा, पेटीज अलग होती है लेकिन पेटी समोसे स्टाइल में मैंने ये रेसिपी ट्राई की है, और ये वाकई में बहुत टेस्टी लगी जब मैंने बना के खाई। बच्चे तो बस तारीफ ही कि मम्मी हमेशा यही बनाना, समोसा तो भूले, अब कभी नहीं कहेगा कि मम्मी बाहर से समोसा ला के खिला दो। आप भी प्लीज़ इसे ट्राई करना और बनाना ज़रूर, और कमेंट में मुझे बताना कि कैसा बनाया। अगर कुछ आपको कुछ कमी लगती है, कुछ लगता है कि हाँ ये बोलना चाहिए, तो वो बोलिए, बताइए मुझे रेसिपी में। और देखिए फ्रेंड्स, हम इसे चकोर काट लेंगे और हल्का हल्का सा पानी लगा के इसे बंद करेंगे, जिससे कि ये खुले नहीं, चिपक जाए अच्छे से चिपकाना है, थोड़ा सा हाथ थोड़ा टाइट करके हाथ को पानी से। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आपको हमेशा बहुत कम चीज़ों से, बहुत कम मसाले से रेसिपी मिलेंगी। मैं हमेशा अपने चैनल पे वही रेसिपी शेयर करती हूँ जो हेल्दी भी हो, पौष्टिक भी हो, और कुछ भी बाहर से लाना ना पड़े, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे ये बड़ी दिक्कत होती है कि अब बाहर से लाओ यार इस चीज़ को बनाने के लिए, टेस्टी भी हो, बेस्ट टेस्ट में भी बेस्ट हो, और कुछ बाहर से लाना ना पड़े, घर के सामान से सब चीज़ें रेसिपी तैयार हो। और मैंने इसे एक
पेस्टी की शेप में फ्रेंड्स एक बनाया है और एक ही मैंने चकोर शेप में बनाया है समोसा पेटीज। ये बड़ा टेस्टी लगता है, मतलब बच्चों को बहुत बहुत अच्छी लगती है ये शेप, और बनाने में भी आसान है। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं चकोर उसमें भी। और देखिए मैंने बना के सारी तैयार कर ली है। एक तो मैंने गुंजिया की तरह भी बनाया है। अब एक कढ़ाई में तेल लेंगे और उसमें थोड़ा सा मैदा डाल के, ये मतलब आटा डाल के देख लेंगे कि ये तेल गर्म है, और फिर इसके अंदर हम डालेंगे समोसा पेटीज। ये बहुत टेस्टी लगती हैं, ऐसे ही डालना है आपको धीरे धीरे। और जब तक ये थोड़ा सा हल्की हल्की सी मतलब ऊपर नहीं आने लग जाए तो इन्हें पलटना भी नहीं है। और जब ये पलटने, देखिए अब थोड़ा थोड़ा सा भुनने लग गई है, मतलब सॉरी फ्राई हो रही है, तो अभी इन्हें हम पलटेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा मुश्किल से 2 मिनट और इन्हें पकाना है, फ्राई करना है, और उसके बाद इन्हें हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। और ये बिल्कुल समोसा पेटीज बिल्कुल तैयार हो गई, रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बिना स्किप किए देखने के लिए वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई सी रेसिपी के साथ। अब इसे हरी चटनी के साथ, टमाटो सॉस के साथ, मेहमान आए तो अब से यही रेसिपी बनाइएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।